Question number 126. Evaluate 105 whole cube using a suitable identity. तो हमें इसमें 105 की होल क्यू फाइंड करना है और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, इसमें हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू से हमें सॉल्व करना है। तो पहले इसको हम लिखते हैं 100 प्लस 5 होल क्यू और फिर इसमें हम ए प्लस बी होल क्यू की आइडेंटिटी को यूज कर देंगे। ये होगा 100 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 × 100 × 5 × 100 + 5। यहाँ पे हमने यूज किया है आइडेंटिटी ए प्लस बी होल क्यू की, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी, 3ab ए प्लस बी, सो इक्वल टू 100 का क्यूब होता है ये, 5 का क्यूब होगा 125 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये होगा 1505 इक्वल टू 100000 प्लस 125 प्लस 105 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 5 = 75 और ये 1500 इक्वल टू 5267511 आंसर।